ये ना एक्टर भी वैसे बेचारा लिविंग ऑन द एज ही है, मतलब हल्का से इसको इधर का उधर होने नाली में तो देखिए सीधा वहां नाली के रास्ते ही चला गया। गौ माता खा तो रहे हो यहाँ पे, बस निकालना ना यहाँ पे, कभी ये ना हो भी आज हमारे घर पे सफाई वाले आंटी ने भी नहीं आना एंड अपन लोगों को ही सफाई करनी पड़े। तो भाई अपन लोग ज़्यादा पास नहीं जाते, लेट देम इंजॉय देयर मील। खैर अभी इट्स ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, 10:34 इन द मॉर्निंग। ट्रेड अपन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मस्त हो चुका है, मतलब कल जो अपन लोगों ने ट्रेड नहीं करा ना एग्जाम करके, उसका पश्चाताप नहीं हो रहा, मतलब पश्चाताप हो चुका है कि टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। उसके साथ साथ भाई अभी यहाँ चाहते थोड़ी देर में अपन लोगों ने कालका निकलना है, मैंने पापा ने, तो ठीक है भाई आराम से कालका की राइड करेंगे। थकावट हो रखी है थोड़ी थोड़ी कि कालका अपन लोगों ने माथा टेकने जाना है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। एंड कालका के साथ साथ आज ट्यूसडे भी है तो रास्ते में देख लेंगे, हनुमान जी के माथा भी टेक लेंगे, मतलब मंदिर वहीं पे ही रास्ते में ही पड़ता है, तो ठीक है भाई उसके लिए प्रॉपर कपड़े डाल के जाने पड़ेंगे। और अभी मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो 2-2.5 घंटे आराम से लोग क्या करें, कुछ भी नहीं करते, पबजी खेलते हैं, रिले वगैरह देखते हैं, माथा वगैरह टेकते हैं एंड फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या पता लोग कालका में ही कर लें। अभी जो है अपन लोग एकदम बढ़िया तरीके से त्याशार होके बाहर तो आ चुके, ये ले चाबी, वाह क्या बात है, देखा भी क्रिकेट खेलने लगी, देखा माने की मेरी बहन। एंड अभी का सीन भाई वही है कि अपन लोग निकल रहे हैं कालका की तरफ एक छोटी सी राइड के लिए, एंड देखा को अपने स्कूटर से अपना हेलमेट निकलवाना था क्योंकि हम देखा के स्कूटर पे जा रहे हैं, इनकेस अगर उसको पीछे से कहीं निकलना हुआ तो वो हेलमेट डाल के निकल लेगी। तो बस वही है, ग्लव्स वगैरह डालनी है एकदम बढ़िया तरीके से। आज तो मैं ही ड्राइव करूँगा, एंड बर्गर किंग का ऑर्डर आ रहा है किसी का, यार मेरा भी खाने का मन कर रहा है। बच्चे लोग कोई ना शाम में आएंगे तब देखेंगे, तब लपेट लेंगे अपन लोग बर्गर किंग वगैरह। ये ना एक्टिव भी वैसे बेचारा लिविंग ऑन द एज ही है, मतलब हल्का से इसको इधर का उधर होने नाली में तो देखिए सीधा वहाँ नाली के रास्ते ही चला जाएगा। एंड भी बनाने के लिए मैं रुका है यहाँ पे लॉग, जो अपन लोग थक चुके हैं भाई, क्या ही मस्त राइड थी। हेलमेट मैं तो अपना इसी में ही रख रहा हूँ भाई, काफ़ी हद तक ड्राइव मैंने ही करा, मेरे पापा का ड्राइव करने का मन नहीं था बट मज़ा सा आ गया। अरे देखो ये वही पुराना सा घर, तो चलो कोई ना एक्टिव अपन लोगों की लग चुकी है, फटाफट चलता है, चल के बढ़िया तरीके से लेफ्ट साइड माथा टेकते हैं मंदिर में एंड ध्यान से गुब्बे पे पैर नहीं रखना अपन लोगों ने। क्या हो गया भाई, क्यों हॉर्न मार रहा है, एट द मिडल ऑफ द हाईवे फॉर सम शॉर्ट ब्रेक। एंड भाई ये डीओजी साहब भी यहाँ पे आ गए, बट ये BITCH है, DOG नहीं है, क्या कह सकते हैं भाई। ओ भाई मैं थक गया, सही मायने में बताऊँ तो भाई बोर हो रहा हूँ, बोर क्या यार थकावट हो ही जाती है, इतना सारा सफर है ना, अभी हनुमान मंदिर भी जाना है अपन लोगों ने। यार ये मेरी तबीयत मेरे को लग रही है इतनी ज़्यादा ठीक है, तभी मैं इतना ज़्यादा ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ, एंड ये राइड भी मेरे को एक्साइट नहीं कर रही, अदरवाइज मेरे को तो भाई राइडिंग का मज़ा आ जाता है। चलो भैया थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ चल के भी माथा टेकना है अपन लोगों ने।